आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार लगातार लघु उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, और इसी कड़ी में आज आर्थिक राजधानी मुंबई में जो लघु उद्योग भारती द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भागवत कराड़ साहब पहुँचे हैं और उन हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। कराड़ सर, जिस तरीके से आज लघु उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश लगातार केंद्र की सरकार कर रही है, आत्मनिर्भर भारत पर बड़ी ही जोर शोर से काम किया जा रहा है, इस सम्मेलन में किस तरह से उद्योगियों को जोड़ा जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहा है। लघु उद्योग भारती के माध्यम से आज मुंबई में एक बड़ा सम्मेलन ले चुका है, उसमें हजारों उद्योजक आए हैं और इस उद्योजक का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मैडम आए थे, उनके साथ मैं भी था, और उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है ये उद्योजक कैसे बढ़े, उद्योजक को और बैंक के साथ रिलेशन कैसे रहे, उद्योजक से जल्दी पैसा कैसा मिले बैंक में से, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंक्रीजिंग द मार्केटिंग, यह अलग अलग चर्चे के ऊपर डिस्कशन हो गया। और इसी माध्यम से प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कोई हालत में ये उद्योजक बढ़े और भारत में प्रोडक्शन बढ़े, भारत का इम्पोर्ट कम हो और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, ये हमारा उद्देश्य है। जिस तरह से आपने कहा जीडीपी बढ़ रही है और लगातार आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की योजना लगातार लोगों में कार्यान्वित हो रही है, लेकिन विपक्ष का लगातार आरोप है कि रोजगार कम हो रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा भी विपक्ष ने शुरू की है। मुझे एक बताने को हर्ष होता है कि रिसेंटली 8-10 दिन पहले जो IMF का सर्वेक्षण हुआ, उसे में भारत देश दुनिया में 5वें नंबर पे इकोनॉमी बढ़ के उभरा है। जिस अंग्रेज ने हमारे ऊपर 150 साल राज किए, उस अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, और इसका कारण है हर क्षेत्र में काम अच्छा हो रहा है और एक क्षेत्र में उद्योजक, पर्टिकुलरली स्मॉल उद्योजक, MSME सेक्टर बहुत बड़ा है, और MSME सेक्टर को बहुत सारे फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसमें क्रेडिट प्रोग्राम जो रहता है, लोगों को जो लोन मिलता है उद्योजक को, उसमें इजी कैसा बने, सरलता से उनको पैसा कैसा मिले, उसके बाद उनको अलग अलग सुविधा। मैं बताना चाहता हूँ कि एक जो कोलैटरल न लेते हुए 20% लोन दिया उनको, उसके साथ जो उद्योजक बनाएंगे तो देश में उनका मार्केटिंग कैसा हो उसके लिए भी दिया है, तो बहुत सारे स्कीम्स है, जिस रैम का भी जिक्र किया, अलग अलग स्कीम्स है, मैं इतना बताना नहीं चाहता हूँ, मैं बताऊंगा भी नहीं, लेकिन ये अलग अलग स्कीम से उद्योगों को फायदा हो रहा है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत इस समय गर्म है, वेदांता और फॉक्सॉन प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, लगातार जो है विपक्ष BJP पर आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए ED सरकार यानी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ सरकार ने उसे शिफ्ट कर दिया, ये आरोप गलत है। वेदांता ग्रुप को जो जो फैसिलिटी देना था उस टाइम महाविकास आघाड़ी सरकार ने नहीं दी फैसिलिटी, इसलिए वेदांता सरकार ने डिसीजन नहीं लिया, और उन्होंने अगर अभी डिसीजन लिया होगा तो उधर ज़्यादा फैसिलिटी मिली इसलिए उधर गए वो। अगर उनको समझो टैक्स कंसेशन हो, लैंड में कंसेशन हो, अगर वो महाविकास आघाड़ी सरकार जब वेदांता इधर उधर ढूंढ रही थी उस टाइम डिसीजन लिया क्या, ऐसा बड़ा न्यूज़ कुछ आया है क्या? वेदांता आ रहा है बल्कि कुछ भी नहीं आया। अभी उधर जाने के बाद विपक्ष के आंखें खुले हैं और अभी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज़ करना, और ये क्रिटिसाइज़ करके कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ ठीक है, वो उधर गया तो और दूसरा उद्योग कैसा लाए, इसके ऊपर ही हमें कोशिश करना है। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि इससे बड़े प्रोजेक्ट जो है मुंबई में लाए जाएंगे, 2 प्रोजेक्ट की बात की जा रही है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं, क्या ऐसी कुछ जानकारी? महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ये नए प्रोजेक्ट लाने के लिए ज़रूर काम करेंगे, और कौन सा ला रहे हैं उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ साहब, जिन्होंने बताया कि वेदांता को उस दौरान की महाविकास सरकारी सरकार ने अगर पूर्व रूप से मंजूरी दी होती तो शायद वो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के पुणे में ही स्थापित होता। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।